आजमगढ़ जिले के लालगंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी रामबच्चन यादव को उनके ही सभासद ने तानाशाह बताया और कहा अपनी मनमानी करते हैं और किसी की भी नहीं सुनते। उनके सभासद ने उनके खिलाफ खुला आरोप लगाया है कि वो सरासर मनमानी करते हैं और तानाशाही कर रहे हैं और विकास के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है और किसी भी वार्ड में कोई भी सफाई नहीं की जा रही और बात करने पर डांट कर भगा देते हैं। जब अलग अलग वार्डों से लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई नहीं की जाती और नाली भी सब जाम मिली है, नाली पर पट्टियाँ भी देखने को नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मिंता सोनकर, मैं वार्ड नंबर 2 का सभासद हूँ। मेरे वार्ड में कूड़ा कबाड़ा ये पूरा जमा हुआ है, सफाई जो है हफ्तों दसों दिन पर होती है, आप लोग श्रीमान जाके देख सकते हैं। पानी निकासी की व्यवस्था है क्या? नहीं है। ताजा मामला संजय मोदनवाल और होरी लाल सोनकर के बीच नाली को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर SDM लालगंज ने आदेश भी किया हुआ है लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि SDM साहब ने दो दो आदेश किए हैं, 4 तारीख को दोनों पक्ष को बुलाकर इसका निवारण कर लिया जाएगा। सर नाम बताइएगा जरा सा, कौन सा पद पे है सर? मेरा नाम रामबच्चन यादव, मैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत करके लालगंज हूँ। जैसा कि सर ये लालगंज वार्ड नंबर 6 में जो टाउन एरिया है सर, उसमें नाली का एक प्रकरण आया हुआ है और उसमें SDM लालगंज ने ये आदेशित किया है EO लालगंज को कि उसको देख के गंदगी की समस्या को समाधान करें, तो सर उस पर क्या हो रहा है सर? एक एप्लीकेशन जो है कि आया हुआ है, उसमें एप्लीकेशन लिखा हुआ है अध्यक्ष के नाम से, लेकिन SDM महोदय लिखे हैं मुझे कि हाँ आप जो है कि उसको देखें, तो मैं जो है कि उसको देखा हुआ हूँ और चेयरमैन महोदय बाहर गए हुए हैं, उस पर मैं कहा हूँ कि 4 तारीख को आ जाएंगे तो उस पर मिल बैठ करके बात होगी, जबकि एक एप्लीकेशन पर SDM साहब द्वारा खुद लिखा गया है जिसकी भूमधरी है, वो एप्लीकेशन दिया है कि भूमधरी मेरी है, इसमें नाली ना बनवाया जाए। SDM द्वारा लिखा गया है कि अगर इनकी भूमधरी है तो इनकी अनुमति से नाली बनवाया जाए। जैसा कि सर सदस्यों का कहना है कि EO साहब मनमानी करते हैं, तो सर ये कहाँ तक सच्चाई है सर, इसके बारे में क्या बताएंगे? अगर सभासद लोग कहते हैं तो आज तक सभासद लोग ऐसा कोई नहीं कहा कि यहाँ मनमानी करते हैं, जबकि मेरी टावरिया स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में प्रदेश में 13वें स्थान पर और नॉर्थ जोन के 7 राज्यों में 21वें स्थान पर आई है। अगर ऐसी मनमानी करते तो शायद नहीं आती। नाली का सर जो मैटर है उसमें सर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नाली 70-80 साल पुरानी है, तो सर उस पर क्या मतलब उस खोज में आपको क्या मिला या फिर आदेश क्या मिला कि ये नाली कैसी है? नहीं, हमने देखा उस नाली को जी। नाली बाहर बनाई गई है लेकिन उसके आगे जो है कि भमदरी है, अब भमदरी के परिपेक्ष में वो एप्लीकेशन किसी ने दिया है और उसमें नायब तहसीलदार की भी रिपोर्ट हमारे पास आई है, तीनों एप्लीकेशन हमारे पास आए हुए हैं, तीनों एप्लीकेशन का जवाब जो है कि 4 तारीख को जब चेयरमैन आ जाएंगे सभी के सामने वहाँ पर पूरी इनको बुलाया जाएगा, विपक्ष पक्ष सबको बुलाया जाएगा, यहाँ तक कि तहसील प्रशासन को भी बुलाया जाएगा और उसका हल ढूंढा जाएगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जब मीडिया की टीम उनके ऑफिस पहुंची तो वहां पर उनकी उपस्थिति पंजिका पर उपस्थिति दर्ज नहीं थी और जब वहां के कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि साहब अपनी पर्सनल डायरी लेकर चलते हैं जिस पर उनकी उपस्थिति दर्ज होती है। अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जनता और उनके ही सभासद काफी आक्रोशित है और उनके विकास के कार्य से संतुष्ट नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर उच्चाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं। EO साहब है कि नहीं? अभी सभी लोग 9 बजे 8:30 बजे से 9 बजे का वहाँ व्यवस्था सर है। कहाँ पे? तो डी बाबा स्थान पे। ठीक है, तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर कहीं जा रहा तो पहले प्रेजेंसी अपना लगा के जाएगा ना, मान लीजिए उसका दुर्घटना हो जाए तब क्या होगा? उन्हीं के बारे में, उनकी दुर्घटना हो जाए तो क्या इसमें कहना चाहिए ना, तो इसलिए सबकी प्रेजेंसी लगी है जी। एक आज की नहीं लगी, आज की आज कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। सर देखिए श्रीमान जी कह रहे हैं इनके कहने के अनुसार, कल का पहले देख लीजिए, कल का है, परसों का है, सैटरडे को ही हो सर। क्या नाम उनका? रामचंद्र EO साहब अपनी अलग डायरी रखे हैं, उसपे खुद प्रेजेंटी अपना लगाते हैं और लगा के जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं और मनमानी करते हैं। इनसे लालगंज टाउन एरिया के सारे लोग मेंबर सब परेशान हैं। यहां पे 11 वार्ड है, 11 वार्डों में सब मेंबर परेशान हैं। 6 में आप लोग
बताई दिए हैं कि वार्ड नंबर 6 में ये दशा हुई है, वार्ड नंबर 2 में आए दिन मैं रोड से भी आ रहा हूँ, देख रहा हूँ पूरा कचरा दोनों बगल इधर उधर, और नाली भी साफ नहीं है, कहीं नाली बनी हो तो नाली का जो है ढक्कन नहीं लगाया है। हमारे सुनील भाई ने कहा है कि 26 लाख का जो बजट आया है लाइट लाइट के लिए, आज तक इन्होंने मांगा है, आज तक उनको जवाब भी नहीं दिए हैं लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इस नगर पंचायत में आज भी उन योजनाओं का अभाव दिख रहा है, जिससे आम जनता काफी आक्रोशित है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनील कुमार सोनकर, वार्ड नंबर 5 लोहियाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि जो नगर पंचायत के राम बच्चन ईओ है, वह कभी आते नहीं है, कभी आए तो पूछा जाता कहाँ है, तो कहते हैं मैं जिले पे मीटिंग है, लखनऊ मीटिंग है। उनका आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, उनका जो रजिस्टर है हाजिरी वाला वो अपने पास रखते हैं, लालगंज कभी नगर में निवास कभी नहीं किए। आप उनसे कितनी बार मिल चुके हैं? उनसे कम से कम हम लोग 100 सैकड़ों बार मिल चुके हैं। अपने इस मतलब जो आपका एरिया है, जो आपका वार्ड है, कि कौन सा वार्ड पड़ता है? मेरा वार्ड है लोहिया नगर, वार्ड नंबर 5। तो किसके आप सदस्य हैं? 5, 6, 2, 3 किसके आप सदस्य? 5 के सदस्य हैं। तो इनसे आप कितनी बार मिले हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं कार्रवाई, पूछा जाता तो कहते हैं आज यहाँ मीटिंग है वहाँ मीटिंग है, इनका कोई भरोसा नहीं कब आते हैं। और आप कभी उनके ऊपर के अधिकारी को या उनके समकक्ष के अधिकारी को आपने इस चीज़ को सूचना दिया कि? नहीं, सूचना हम तो नहीं दिए हैं।